हमारा वीविंग यानी कि बुनाई करना। इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट यार्न इनटू क्लॉथ। एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, धागे को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, क्लॉथ में कपड़े बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम और पावर लूम इज कॉल्ड वीविंग। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो सेट ऑफ धागा यानी दो धागे के दो सेट को क्या किया जाता है, एक साथ किया जाता है, टू मेक ए फैब्रिक, जिसका हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं यानी कि कपड़ा बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम, या तो हैंडलूम की मदद से या फिर पावर लूम की मदद से। हैंडलूम कब कहेंगे, जब हाथ की मदद से करते हैं, बनाते हैं जब मशीन चलते हैं मशीन। अब पावर लूम कब कहते हैं, जब बिजली की हेल्प से चलते हैं। हैंडलूम हाथ से चलाने वाला मशीन होता है बुनाई करने का मशीन, और पावर लूम बिजली से चलने वाला मशीन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वीविंग, यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है वीविंग जिसमें दो अलग अलग धागों को एक साथ मिलाया जाता है और कपड़े बनाने के लिए, किसकी मदद से, या तो हैंडलूम के या फिर पावर लूम की मदद से। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, वीविंग यानी बुनाई। वेवर्स वीविंग ऑन स्मॉल स्केल यूज हैंडलूम। वही कह रहा है कि जो ऐसे बुनाई करने वाले लोग जो स्मॉल स्केल यानी थोड़े मात्रा में क्या बनाते हैं, बुनाई करते हैं कपड़े, उन्हें हम लोग क्या कहें, वो किसका यूज़ करते हैं, हैंडलूम का यूज़ करते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, कॉटन फैब्रिक्स आर मेड बाय बिग मशीन दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और कह रहा है जो बड़े पैमाने पे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं वो बड़े मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। दीज मशीन आर कॉल्ड पावर लूम, और ऐसे मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, पावर लूम्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बुनाई करने का, कैसे बुनाई किया जाता है उसकी एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें क्या किया है कि पेपर को लिया गया, पहले उसे फोल्ड कर लिया गया। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ बीच से ऐसे पीछे से कट किया जा रहा है छोटा छोटा। अब ये जब कट लग गए हैं तो छोटे छोटे इन्होंने क्या किया है, येलो कलर का और रेड कलर की स्ट्रिप काट लिया है। अब एक छोड़ करके एक ऐसे बुनाई किया जा रहा है, फिर रेड के बाद येलो को, है ना, एक एक करके स्किप करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बुनाई हो गया पेपर में। सेम यही चीज़ होता है कपड़े के साथ, जब कपड़े की बुनाई किया जाता है, दो सेट धागा होता है ना, उनको इस तरह से एक को स्किप करना एक को साथ लेके चलना, इस तरह से बुनाई किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीविंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा नीटिंग, यानी क्या होता है, बीनना, है ना, इसको कहते हैं बुनना या फिर बीनना। यू मस्ट हैव सीन लेडी नीटिंग ए स्वेटर और मफलर विद द हेल्प ऑफ टू नीटिंग नीडल्स। आपने देखा होगा कि जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, वो दो नीडल होता है बुनाई करने वाला, बीनने वाला दो नीडल होता है, उसकी हेल्प से क्या करती हैं, या तो स्वेटर बुनती हैं या फिर मफलर बुनती हैं। इसमें क्या होता है, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें क्या होता है, एक सिंगल धागे का यूज़ करके क्या होता है, फैब्रिक बनाया जाता है यानी कपड़े बनाए जाते हैं। नीटिंग कैन बी डन बाई हैंड्स यूजिंग नीटिंग नीडल्स। नीटिंग को हम लोग हाथ से ही करते हैं, बुनने का काम हम लोग हाथ से करते हैं नीटिंग नीडल की हेल्प से। जो बुनाई करने वाला नीडल आता है यानी वही जिससे क्या होता है, स्वेटर बुना जाता है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नीटिंग नीडल यानी बिनने वाला नीडल, उसी के हेल्प से हम लोग बुनाई करते हैं। नाउडेज मोस्ट ऑफ द नीटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। और आजकल जो है मशीन की हेल्प से ज़्यादातर बुनाई किया जाता है। आगे बात समझ में, बीनने का काम किससे किया जाता है, मशीन से। देखिए यहाँ पे नीटिंग किया जा रहा है यानी बीनने का काम किया जा रहा है। ये था हमारा नीटिंग।